तो फ्रेंड्स, अगर आप भी पता करना चाहते हैं कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, आप उससे पैसा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, आप जो भी रील्स पोस्ट करते हैं अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, वो जो रील्स है वो मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, और साथ ही साथ आपका जो अकाउंट है इंस्टाग्राम का अकाउंट है मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, उसके बाद आपसे पैसा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, सारा कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कहाँ से उसको चेक करेंगे कि आपका जो अकाउंट है वो मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा। फिलहाल तो ऐसा कोई क्राइटेरिया इंस्टाग्राम पे आया नहीं है, उसको पूरा करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो मोनेटाइज हो जाएगा और उसके बाद उससे आपकी अर्निंग हो जाएगी, ऐसा तो अभी कुछ आया नहीं है, लेकिन हाँ आप उससे स्पॉन्सरशिप के जरिए पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका जो अकाउंट है वो अच्छा है, अगर आपके अकाउंट पे अच्छा फ्लोर्स हैं, अच्छे व्यूज आते हैं, तो आप उससे अच्छा खासा इनकम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पे एक ऑप्शन भी आया है मोनेटाइजेशन का, तो वो जो है कि आपका एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है उसको कैसे चेक करेंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में तक बंद रहेगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है कि अपना इंस्टाग्राम उसको ओपन कर देना है, तो हम यहाँ से अपना जो इंस्टाग्राम है उसको ओपन कर देते हैं। ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जो प्रोफाइल है उस पर क्लिक कर देना है। तो हम अपने प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपका प्रोफाइल यहाँ पे खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो थ्री लाइन दिख रहा है सिंपली आपको उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें नीचे जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे सबसे पहले यहाँ पे चले जाना है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा अकाउंट स्टेटस का, तो आपको इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, रिमूव कंटेंट, व्हाट कंटेंट टू बी रिकमेंडेड, मोनेटाइजेशन। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है मोनेटाइजेशन का, तो सिंपली आपको इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें कि तीन में ब्लू टिक लगा हुआ है और चौथे में जो कि मोनेटाइजेशन है मेरा, उसमें ब्लू टिक नहीं लगा हुआ है। तो क्यों नहीं लगा है उसको चेक करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर करेंटली अनेबल टू मोनेटाइज, मतलब कि अभी जो आपका वीडियोज है, आपका जो चैनल है, आपका जो अकाउंट है मोनेटाइज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आया हुआ है। यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे तीन आपको पॉलिसी दिख जाएंगे, कंटेंट मोनेटाइजेशन और पार्टनर मोनेटाइजेशन और कमिटी गाइडलाइंस। तो हमारा जो कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का कुछ इशू आया है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे आया हुआ है, इसको सही करने के लिए हमको यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू करना होगा। इसको रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट में कुछ यहाँ पे डालना होगा, उसके बाद इसको सबमिट करना होगा, उसके बाद जो कि ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। तो इस पर अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे सॉल्व होगा तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, हम इस वीडियो बना देंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे आया हुआ है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है अभी मोनेटाइज के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारे इस पर कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है। तो आप यहीं से चेक कर सकते हैं कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो एलिजिबल है कि नहीं मोनेटाइजेशन के लिए।